प्रोग्राम होगा तो सभी को कुछ था जी कि हम यहाँ से इनको कुछ रिंग वगैरह लेने का शौक हो रहा था, लेकिन आपको पता है कि गोल्ड जो है वो हम नहीं परचेस कर सकते क्योंकि गोल्ड जो मर्द के ऊपर हराम है, पता सभी आपको, इस वजह से भी डिसाइड किया कि चलो सभी को शौक है तो सिल्वर की रिंग्स ले लेते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी अपने नहीं ले लेता हूँ, तो उसके लिए वाटर पंप का जो बाजार है यहाँ का फेडरल बी एरिया में, यहाँ पर अनारकली बाजार है वाटर पंप के अंदर, तो वहाँ पर माला ज्वेलर्स है, दोस्त है बिलाल के, उनसे बात हुई थी, तो अभी हम लोग वहाँ पर चलेंगे सभी और देखते हैं कि उनके पास क्या क्या वैरायटी मौजूद है और फिर इंशाल्लाह कोई अच्छी सी रिंग सिल्वर की चूज करते हैं और लेकर आएंगे इंशाल्लाह। इसके साथ ही जो अनारकली बाजार है वाटर पंप का, उसकी भी थोड़ा विजिट करेंगे, सैर करेंगे, देखते हैं वो क्या है मतलब। तो आप तैयार हैं सभी? फिर चलते हैं। चलो जी चलते हैं दोस्तों, इंशाल्लाह वाटर पंप अनारकली बाजार पहुँच कर फिर माला ज्वेलर्स पर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है जी, थैंक यू जी। दोस्तों इस वक्त हम अनारकली बाजार में आ चुके हुए हैं और वाटर पंप फेडरल जी एरिया का ये इलाका है, बड़ा अच्छा बाजार है जी, अनारकली के नाम से बिल्कुल मशहूर है ये। अभी हम यहाँ पर सभी का हमने सूट लेना था, ये भी हमने चेंज कर लिया है, एंड सेकंड नंबर पर अभी माला ज्वेलर्स के नाम से है, वहाँ पर अभी हम जाएंगे और सिल्वर की अंगूठी हमने अभी लेनी है, तो अभी उनसे बात हो गई थी सभी, तो फिर अंदर चल कर ढूंढते जी माला ज्वेलर्स कहाँ पर है और उसके बाद और क्या लेना है, थोड़े फर फ्रूट वगैरह लेने इंशाल्लाह, तो फिर घर चलेंगे जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी हम माला ज्वेलर्स पर आ गए हैं और अहमद भाई के साथ मेरी बात पहले हो गई थी। कैसे हो अहमद भाई? ठीक ठाक खैरियत से? तो बेसिकली जी हम सभी को था लेने का जी के लेनी अपना सिल्वर की, क्योंकि गोल्ड तो ज़्यादा हम परचेज नहीं कर सकते, मर्तबा सोना वैसे ही हराम है, तो इनकी ख्वाहिश के पेश नज़र फिर हमाद भाई से बात हुई थी और कहा था जी आ जाए तो हम आपको दिखाते हैं, तो मैंने सोचा जी मैं भी ले लेता हूँ, तो अभी हम देखते हैं कि पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं उसके हिसाब से फिर ठीक हो गया। तो हमाद भाई ये जो है ये वाली थोड़ी देर दूर रखें यार, ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी, 5 नग के साथ है ये ना जी, तो ये 5 नग की ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी, देखें जरा कैसी लग रही है सभी, ये बड़ी हो गई काफी, नहीं इसमें अगर एक नग छोटा मिल जाए, नग से मुराद इसके अंदर देखें ये 5 लाइंस चल रही है, 5 लाइनों का हिसाब है इसके अंदर ना ये, तो लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कोई और देख लेते हैं इसके अंदर, एक तो ये भी अच्छी है मतलब ना, मतलब ये लेडीज में आ जाएगी, हाँ ये तो लेडीज स्टाइल में ये तो बहुत बुरी लगेगी यार ये तो, तुम देखो सभी तुम्हें कौन सी पसंद आ रही है इसके अंदर? मुझे तो इसी में पसंद आई है, नहीं है ये वा, ये मेरे ख्याल में 2 की है। कौन सी वाली? ये मेरे हाँ पहने जरा इसको, हाँ ये देखिए दिखाएं, सीधा करें हाथ सीधा करें अपना, ये 2 के साथ है, ठीक है ये अच्छी लग रही है वैसे, तो मार इसमें 3 लाइन के साथ नहीं है जी, ये दिखाएं जरा यार ये 3 लाइन के साथ, जरा मुझे पहनाइएगा जरा कैसी लग रही है ये 3 लाइन के साथ जी, ये सिल्वर के अंदर है जनाब, बेहतरीन अच्छी लग रही है सभी, आप भी जरा दिखाएं अपना, ठीक हो गया, तो चले जरा इसका वजन करें कितना बनता है इसके साथ भी देखें, 8.27 इसका वेट है, ठीक है ये आपको पड़ेगी 2500 की जनाब, सभी तो 2500 रुपए की आपकी ये बन रही है, 2 रिंग्स एक आपकी और एक मेरी, तो ले लें फिर ये ले लेते हैं, ठीक है तो चले सर इसको फिर वर्कशॉप कर दें, ये जरा बड़ी पॉलिश अच्छी सी हो जाएगी ये, ठीक है वैसे ही अच्छा, इन्होंने डब्बे भी निकाल दिए बॉक्स में रख के देंगे ना, पैकेज की प्रेजेंटेशन अच्छी है, दिखाएं जी, ले जी ये बॉक्स के अंदर ये तैयार हो गई है और ज़बरदस्त हो गया जी माशाल्लाह, ठीक है सर, ये लीजिएगा जी, बहुत शुक्रिया आपका जनाब, तो इंशाल्लाह दोबारा भी आएंगे कराची, कराची से कदम कौन सी जगह पर मौजूद है? वाटर पंप,
वाटर पंप पे ये कौन सी मार्केट है जी? वाटर पंप पे अनारकली का जो बाज़ार है जी, हम यहाँ पर हैं। हालांकि लाहौर का जो अनारकली का जो बाज़ार है ना, वो अगर आप कभी आए तो बहुत बड़ा बाज़ार है वो, तो समझ लें कि लाहौर का जो बाज़ारों का ना मतलब बैकबोन वो समझी जाती है, इतना बड़ा बाज़ार है लाहौर का। तो मेरा ये ख्याल है कि आपका बाज़ार तो अभी काफ़ी छोटा उसके नज़दीक ना, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें यहाँ पर जी, हर तरह का कपड़ा, ज्वेलरी, और इसके अलावा मेरा ये ख्याल है कि शूज़, यानी कि कोई भी चीज़ आपने लेनी हो तो डेफिनेटली आप इजी यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और बड़ी अच्छी मार्केट है, इंशाल्लाह अभी हम आपको मार्केट का व्यू भी करवाएंगे। तो इसके साथ ही मेरा ख्याल अभी सभी चलते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। ठीक है सर, ले जी रिंग्स ले लिए सभी, दिखाएं रिंग्स ज़रा दोस्तों को अपनी। और जी इनकी रिंग आ गई है सिल्वर की। तो रात हो गई थी, थोड़ी भूख लग रही है, मैं कहा जी बर्गर शर्गर थोड़ा सा ले लेते हैं, तो बर्गर का ऑर्डर दे दिया है मैं जी, VIP नवाज बर्गर के नाम से। साहब आपका सादा बर्गर है या बंद, क्यों कौन सा होता है वो? बंद कबाब। बंद कबाब नहीं लगाते आप? वो लगाते हैं आप? माशाल्लाह जी काफ़ी रश है इनके स्टॉल के ऊपर और काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और थोड़ा सा बाज़ार का व्यू करवाते हैं। नहीं जी हमारे अंडे वाले बर्गर तैयार हो चुके हैं, ज़बरदस्त और अच्छा बनाया वैसे भाई ने। आप ना यहीं पर प्लेट भी दे दीजिएगा इसको, ठीक है? काफ़ी सर्दी हो गई है, रात का टाइम है जी, कराची के अंदर इस वक्त काफ़ी सर्दी है। और बड़ा अच्छा लग रहा है जनाब, गरम गरम धुआं निकल रहा है जनाब। सभी क्या ख्याल है आपका? अच्छा जी, रायता भी है जनाब, अगर आप लाइव खाएंगे यहाँ पर तो रायता और चटनी के साथ आपको सर्व किया जाएगा जनाब। ज़बरदस्त हो गया जी, चलें जी बर्गर खाते हैं और फिर देखते हैं कि कैसा टेस्ट है इसका, कैसा लग रहा है फिर? ज़बरदस्त, बहुत मज़े का बर्गर है, बर्गर अच्छा है इनका। चलें जी, VIP नवाज के नाम से जनाब, ये वाटर पम्प के अंदर काफ़ी रौनक हो गई है, सर्दी काफ़ी है, बस अभी बर्गर खा के निकलते हैं सभी, ठीक है? चलें जी, घर पहुँच कर फिर आपसे मुलाकात होती है। कराची में काफ़ी सर्दी हो गई है इस वक्त और वाटर पम्प का जो बाज़ार है जी बहुत बड़ा है, अनारकली बाज़ार, तो बड़ा अच्छा लगा जी। और हाँ जी, रिंग्स लेनी है, सभी अपनी रिंग दिखाएँ आप, सभी की रिंग हो गई जी। मैंने भी शौक किया तौर पर ले लिया, हालांकि मुझे इतना शौक तो नहीं है, लेकिन चले तो सभी ने कुछ शॉपिंग भी किया है। क्या किया सभी आपने? मैंने ये सूट लिया। हाँ जी, सभी ने जी सूट भी लिया है। और काफ़ी बड़ी मार्केट है जी अनारकली बाज़ार जो है वाटर पम्प का, यहाँ पर हर तरह की चीज़ बासानी मिल जाती है, कॉस्मेटिक्स हो, लेडीज़ के मतलब कपड़े हो, बच्चों के गारमेंट्स, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज़ जो है अवेलेबल है। और बहुत रौनक बाज़ार था माशाल्लाह, तो काफ़ी भूख भी लगी थी, हमने बर्गर वगैरह तो वहाँ पर ले लिया, अभी रात के खाने का तमाम होगा। तो दोस्तों इसके साथ ही आज का हम अपना ब्लॉग क्लोज करेंगे, और ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, ताकि हमें पता लगे कि आप लोग हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। और इसके साथ ही कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर अपने कमेंट्स दिया करें, और मुझे सभी को कराची से इजाज़त दें, अगले ब्लॉग का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।